तीन दिवसीय टीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ समापन। लवकुश नगर में 3 दिन से चल रहे टीपीएल जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबला खेला गया। फाइनल मुकाबले और छोटे छोटे बच्चों का उत्साह वर्धन करने काफी संख्या में खेल प्रेमी फाइनल मैच देखने पहुंचे थे। वही कांटे का मुकाबला होने से जहां खेल देखने वालों को आनंद आया तो वही दोनों टीमों के प्रदर्शन पर खेल प्रेमियों ने जमकर तालियों से स्वागत किया। इस प्रतियोगिता में 3 टीमें थी और आज का मुकाबला घनघोर जूनियर क्लब और टाइगर 11 के बीच हुआ, जहां टाइगर 11 ने पहले खेलते हुए 108 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। जवाब में उतरी घनघोर जूनियर क्लब ने 3 विकेट से मैच जीतकर फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। वहीं घनघोर जूनियर क्लब के कप्तान आजम खान ने फाइनल की ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं समाज सेवी नितिन रिछारिया व भाजपा जिला मंत्री युवा मोर्चा रामू यादव ने इस कार्यक्रम की सराहना की और इस तरह के आयोजन से खेल प्रतिभाएं निकल कर आती है और यह प्रतिभाएं आगे बढ़े इसके लिए इस तरह के आयोजन होना बहुत जरूरी है। यह आयोजन कोसेम खान व उनकी टीम के द्वारा कराया गया जिसकी सराहना की जा रही है। राज इंडिया 18 के लिए सिटी रिपोर्टर अशोक सिंह, लवकुशनगर। आज टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला था जिसमें घनघोर क्लब की जीत हासिल हुई है और टाइगर 11 हार गया, लेकिन दोनों खिलाड़ियों में दोनों टीमों में काफी उत्साह देखने को मिला। कहा हार जीत चलती रहती है, हम लोग मिलकर खेल भावना के साथ खेल को खेले हैं, तो चलती रहेगी। आगे हम खेल का विकास करना है, लवकुशनगर में हमें क्रिकेट के खेल में किसी न किसी खिलाड़ी को आगे ले जाना है, हम मिलकर आगे खेल को बढ़ेंगे। बहुत ही शानदार आयोजन था, मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैंने पहली बार अभी लवकुशनगर की तहसील में देखा कि छोटे छोटे बच्चे 10 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों ने जो इस मैच में भाग लिया और आजम खान की टीम ने इस मैच में विजेता रहे हैं। सही बच्चों के भविष्य के लिए कामना करता हूँ, ऐसे टूर्नामेंट होते रहे, हमारे बच्चों का भविष्य आगे बढ़ता रहे।